म बैक टू माई यूट्यूब चैनल दिस इज माई आस्मारन यू आर वॉचिंग माई चैनल डायरी आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ के भी होंगे खुश होंगे uh, काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी तो सबसे पहले सॉरी फॉर अपलोडिंग लेट लेकिन आई होप कि आज के ब्लॉग में वो सारी पीछे की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी तो वाइज आज का जो व्लाग है उसमें एक फेयरवेल गुड बाय है जिसका मैंने व्लॉग बनाया तो आई होप आपको पसंद आएगा और इसको देखिए लाइक भी कीजिएगा तो गाइज़ यहाँ पे हमारी एक मैम है जिनकी फेयरवेल पार्टी है उसके लिए हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं तो जैसे जैसे डेकोरेशंस के स्टेप्स होंगे वो मैं आपको सारा बताऊंगी कि हमने क्या क्या, क्या किया तो यहाँ पे ये कुछ कार्ड्स थे जिनको हमने डाउनलोड करके इनका प्रिंट नहीं दिलवाया जो कि उनकी पर्सनालिटी से अकॉर्डिंग थे या जिस पे गुड बाय या ऐसे मैसेजेस लिखे हुए थे बेस्ट विशेस और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बैलूनस थे ये इसमें से येलो को मैंने हाथ में पकड़ा क्योंकि मैं जस्ट चेक करना चाह रही थी कि ये कैसे बैलून है इनके ऊपर लिखा गया तो अनफॉर्चुनेटली इन हमें जो बैलूनस मिले थे उनके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था फेयरवेल थी लेकिन हमने बैलून्स जो थे वो हैप्पी बर्थडे के यूज किए थे तो यहां पे बैलून्स को ब्लो किया जा रहा है तो इट्स अ क्वाइट हार्ड टास्क तो जितने भी बैलूस थे उनको बेलो करने में हर स्टूडेंट्स ने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी मोस्टली स्टूडेंट्स ने ही ब्लो किए थे हमने कुछ ही किए थे लेकिन उन्होंने फिर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी स्टाफ को परफॉर्म करने में तो यहाँ पे वन बाय वन हम लोग जितने भी थे स्टाफ मेम्बर्स वो एक एक बेलून जितना हो सका था उसको बेलो किया ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है बेलूस का पर्पल एंड ब्लू तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हमारे बैलूस जो थे वो फटना भी शुरू हो गए थे कुछ लेकिन फिर जो बच गए थे उनको हमने यूज़ कर लिया था अपनी डेकोरेशन तो गाइस आप देख सकते हैं जो कार्ड्स हमने प्रिंट करवाए थे उनका कलर और बैलूंस का थोड़ा सा जो कलर था वो थोड़ा सा मैच मैच था तो इसलिए हमने ऐसा ही ऐसे ही कलर्स करवाए थे कार्ड्स ताकि जो हमारा थीम है उससे कुछ सिमिलैरिटी उसमें हो जाए तो यहाँ पे सारे बैलून्स को हमने ब्लो कर दिया ये आप देख सकते हैं कुछ कुछ इनमें से थे जो के फट चुके थे इस टाइम पे वेल जितने बच गए हमने उन्हीं को यूटिलाइज किया और उन्हीं को फिर हमने सारे को कलेक्ट करके वन बाय वन जैसा हमने थीम सोचा हुआ था उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करते गए तो यहाँ पे कितने ज़बरदस्त कलर के बलून्स हैं हमारे पास सो so, अगर हम फेयरवेल प्लान कर रहे थे तो डेफिनेटली कार्ड्स अगर फेयरवेल पे पहनाऊँ तो ऐसा कैसे पॉसिबल है तो कार्ड तो एक अच्छा इट्स अ गुड साइन ऑफ वेलकम और फेयरवेल और दिस काइंड ऑफ इवेंट्स तो ये कार्ड बनाया था जिसको कि कायनात ने बनाया था और कार्ड का डिज़ाइन एज इट इज़ असी था जैसे कि हम लोग चाहते थे तो बाय द ग्रेस ऑफ फलमाइटी सब अच्छा हो गया कार्ड के सिलसिले में तो हम लोगों ने बहुत अच्छा उसको डिज़ाइन बनवा लिया था तो यहाँ पे हमारे पास दो कार्ड थे एक वो कार्ड था जिसके ऊपर जस्ट एक मैसेज लिखा हुआ था वी विल मिस एक कार्ड के ऊपर जस्ट सिंपल मैसेज था वी विल मिस यू लेकिन इसके अलावा एक दूसरा कार्ड भी था जो मैंने आपको पहले दिखाया वो असली कार्ड था क्योंकि वो बहुत स्पेशल था उसके ऊपर हमने अपनी फीलिंग्स के साथ अल्फाज तहरीर किए थे एक मैसेज लिखा हुआ था और कहते हैं ना कि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है तो उस बस ऐसे ही कुछ था उसके ऊपर और रही है यहाँ पर अभी हमारे पास वॉल थी जिसको डेकोरेट किया था हमने वॉल की डेकोरेशन भी हमने बहुत दिल से की थी यहाँ पे सारे बैलून्स लगाए थे ये काम करने में भी स्टूडेंट्स ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी बैलूस को ब्लो भी किया उन्होंने फिर सारा उन्होंने वॉल के ऊपर इनको पेस्ट भी किया और जितने हमारे पास कार्ड्स हमने पहले निकलवाए थे ना वो भी सारा हमने यहाँ पर पे पेस्ट कर दिए थे ताकि एक अच्छा सा बैकग्राउंड आ जाए पिक्चर्स के लिए तो ये गायसा आप देख सकते हैं ये हमारी ओवरऑल वॉल है इसको कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है एक्चुअली मैं जितनी एक्साइटेड थी ना उस दिन और एक्साइटेड एक्साइटमेंट भी थी सैडनेस भी थी और सारे मिले जुले इमोशंस थे बट हर काम जो भी जितने भी हमने स्टेप्स किए थे ना डेकोरेशन से लेके सारा एंड तक हमने बहुत दिल से किया था तो यहाँ पे फ्लॉर्स थे कि जब वो आके बैठेंगे तो उनके लिए हम लोग फ्लॉर्स ये सारा होगा तो ये सारा टेबल था जो मेन उसके ऊपर हमने रख दिए थे और साथ साथ रूम की डेकोरेशन जो है वो तो ऑलमोस्ट जितना वॉल को डेकोरेट करना था वो ओके था यहाँ पे वंस हुआ ऐसा कि गुब्बारे जब हम लोगों ने लगा दिए थे उसके बाद भी एक दो हमारे पास जो था ना वो क्योंकि उसमें आई थिंक सो so, एयर प्रेशर ज़्यादा था तो वो भी फट गया था तो वहाँ पे फिर उसकी जगह दूसरे भी हमने उसको रिप्लेस किया जो ख़राब हो गया था तो ये सारा ऐसे ही कुछ चलता रहा लेकिन टू बी तो वेरी ऑनेस्ट हमने बहुत 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 ज़्यादा इन्जॉय किया था इस टाइम को ना तो ये इसके ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं गुड बाय वी विल मिस यू गुड बाय एंट्री जब हो चुकी तो उसके बाद फिर अब जो टाइम था वो कुछ केक कटिंग का ही था तो केक तो था नहीं हमने ब्राउनी एडिड की थी क्योंकि शी लाइक्स ब्राउनीज तो ब्राउनी के ऊपर हमने जो फायर कैंडल है उसको प्लेस किया हुआ था तो यहाँ पे अब देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा तरह से इसका व्यू कैप्चर किया हुआ है तो यहाँ पर अभी होगी कटिंग कटिंग के बिल्कुल साथ ही बुके प्लेस था ताकि व्यू ज़्यादा अच्छा आए में दस मिनट तक ठीक है ना हाँ इससे पहले कि यार ठंडा हो जाएगा ना बुलाओ उनको ठीक है साथ ही ये नाइफ यूज कर ले ये हाँ, साथ कर लेना मैं बैग में टिश्यू पड़ा हमारा जो फंक्शन था वो पिज़्ज़ा खाने के बाद अपने अहतमाम के मराहल को तय कर रहा था उसके बाद एक दो छोटी बहुत छोटी मोटी चिट चैट हुई और उसके बाद फ़ाइनल लेकिन ये कुछ ना ट्रिब्यूट पेश किया था हम टीचर यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये स्टूडेंट्स ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का डेकोरेट किया हुआ था बहुत दिल से बहुत प्यार से उन्होंने उसमें मैम को ट्रिब्यूट पेश किया था कि जितना टाइम उनके साथ गुजरा है वो हमारे लिए स्पीचलेस है बयान करना बहुत अच्छा टाइम गुजरा है बींगा टीचर उन्होंने किस तरीके से पढ़ाया कितना अच्छे तरीके से पढ़ाया ये सारा कुछ उसमें था तो उन्होंने अपनी तरफ से छोटा सा ट्रिब्यूट पेश किया था तो ये सारा आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है जी तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग आई होप आपको पसंद आया होगा आपने एंजॉय किया होगा अगर तो पसंद आया लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग में खुदा हाफिज